स्माइल विद नीमा, वैसे बाइक वाले ने आई डोंट नो सुनने दिया नहीं दिया। आज मैं जा रही हूँ लाजपत नगर, इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी वो सरोजनी नगर की थी, जिसमें मैंने आउटफिट तैयार किया था 300 रुपये में। अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट जाओ, लिंक मेरी मेरे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। एंड मैं आज जा रही हूँ लाजपत नगर। आज का जो चैलेंज रहेगा वो रहेगा 400 रुपीज़ में एक प्रॉपर आउटफिट तैयार करना। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि लाजपत नगर थोड़ा सा कॉस्टली है और मार्केट्स के अकॉर्डिंग, सो लाजपत नगर जैसी एरिया में जाकर 400 रुपये में एक आउटफिट तैयार करना थोड़ा सा टफ है, बट मैं पूरी मार्केट सर्च करूंगी। वीडियो तो मिलते हैं वीडियो के आगे, अभी के लिए चलते हैं लाजपत नगर। ओके बाय। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक लोकेशन पर। यहाँ पे ये लोकेशन की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो मैं इसको अभी आपको नहीं बताने वाली। यस, मैं यहाँ पे पी रही हूँ फ्री की कॉफी, ये मैं आपको जरूर बता सकती हूँ। एंड यहाँ से निकलने के बाद हमने खाया छोले भटूरे और ये बहुत टेस्टी लग रहे थे। काफी बहुत क्राउड भी था यहाँ पे एंड बहुत टाइम हो गया था यार ऑयली चीज नहीं खाए हुए, तो पेट भर के ऑयल ठूस लिया पहले अपन लोगों ने। सो इसमें बहुत ऑयल था यार, भटूरे में ऑयल तो होता ही है। सो अच्छे से पेट भर के पहले भटूरे छोले भटूरे खाए। विरीचिन गेम्बा विरीचिन लाजपत नगर की मार्केट, जो कि एकदम सामने है। सो लेट्स गो, हमें क्या मिलता है वहाँ पे। और ये ना सबसे अच्छी बात है, आपको मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 से आप एग्जिट कर सकते हो लाजपत नगर, वहाँ पे आपके सामने ही रहती है। हमें रोड क्रॉस करके उधर जाना है। सो यहाँ लग रखी है 100 रुपीज़ की सेल और मुझे मेरे आउटफिट के लिए इतना 100 रुपीज़ की ही सेल चाहिए ताकि मेरे को एक अच्छा प्राइस में मिल सके। आप देख सकते हैं यार कपड़े यहाँ पर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट वही थोड़ा सा कॉस्टली है लाजपत नगर और मार्केट्स के अकॉर्डिंग, बट सेल आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। मैंने सोचा थोड़ा सा मार्केट गो थ्रू करते हैं, फर्स्टली एक कौन सा आउटफिट अच्छा सा मिल जाए क्या पता मुझे। तो इधर भी 100 रुपये की सेल लगी थी, वो भी मैंने देखी। सो अगेन यहाँ पे 100 रुपीज़ की सेल लग रखी है, आप देख सकते हैं। इसका जो मतलब कपड़े हैं यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लगे, फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छा था, विंटर कलेक्शन अच्छा आ रखा है। एंड 100 रुपीज़ की सेल यार यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो मतलब कपड़े भी अच्छे ही थे। एंड आप देख सकते हैं पिंक कलर का इतना प्रिटी लग रहा था, बट ये मेरे आउटफिट के लिए नहीं जाने वाला था तो मैंने इसको वापस रख लिया, क्योंकि मुझे एक आउटफिट तैयार करना था। आप 400 रुपये में मेरे को सारी चीज़ें खरीदनी है, मैनेज करके चलना पड़ेगा ना। यहाँ पे मुझे 250 रुपीज़ की सेल देखने को मिली एंड मैं इसमें भी चेक कर रही थी, वैसे तो मेरे बजट के बाहर जा रहा था बट मैंने सोचा देख लेते हैं एक बार, इसमें कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। एंड आगे चल के ना मुझे ये देखो ये देखने के लिए मिला, ये बहुत प्रिटी लग रहा था यार। और पता है इसका प्राइस छोटे वाले का 100 रुपये था। ये मैंने सोचा फ्लावर वगैरह रखने के लिए, इसे मंदिर वगैरह जाते हैं तो फ्लावर्स रखने के लिए अच्छा रहेगा बकेट एक छोटा सा। एंड इसके बाद मार्केट में आगे जाने के बाद मुझे 100 रुपये के छोटे वाले पाउच जो रहते हैं ना जिसमें पैसे वगैरह रख सकते हैं, इसमें ये मिले। और ना इसका मुझे ना मतलब ये अच्छा लगा, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और ना आप देख सकते हैं धूप बहुत बढ़िया आ रखी है, थोड़ी देर हम खड़े भी थे धूप में क्योंकि ठंड लगने लग गई थी। एंड उसके बाद फिर से निकल गए, फिर से 100 रुपीज़ की सेल देखने को मिली एंड इसमें भी बहुत अच्छे कपड़े लग रखे थे, आप देख सकते हैं। मतलब 100 रुपीज़ की सेल में ये रहता है यार, एक तो सेल थोड़ी सी चीप हो जाती है एंड उसके बाद कपड़े अगर आपको इतने बढ़िया देखने को मिल रहे हैं तो अच्छा लगता है, राइट। एंड इसके अलावा आप लाजपत नगर आते तो इस टाइप की मार्केट देखने को मिलती है। यहाँ से 250 रुपीज़ की सेल लग रही थी पैंट की, सो मैं यहाँ से कुछ लेने वाली थी, वो आपको वीडियो के एंड में दिखेगा मेरे आउटफिट में। कलर्स सारे अवेलेबल थे बट वही है कि साइज वगैरह मिले ना मिले, तो इसमें यहाँ आगे चल के ना ये पर्स की सेल लगी थी। ये पर्स ना सच बताऊं तो आपको बिलीव नहीं होगा, थोड़े से कॉस्टली थे, थोड़े से नहीं बहुत कॉस्टली लगे मुझे। अभी जो मैंने ये ब्लैक वाला उठाया, मैंने इनसे इसका प्राइस पूछा तो ये इन्होंने बताया 1100 रुपये का। एंड आप देख सकते हैं एंड उसमें बार्गेनिंग नहीं थी, बट मैंने मतलब पर्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी मुझे। उसके बाद आगे चल के मुझे तो बहुत क्यूट सा डॉगी मिला, मैंने उसे मोमोज खिलाया। चल टाटा, बाय कर दे टाटा दोस्त।
सो मैंने एक स्कर्ट ले रखी है और अगेन मैंने एक टॉप ले रखा है जो कि मुझे सही प्राइस में मिल गया है यहाँ पे, एंड 400 रुपये का मे भी मैंने कुछ आउटफिट लिया तो है। अब लेट सी वो कैसा आउटफिट है, कैसा लगेगा, एंड घर जाके आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ओके शना, भूख लग गई है, यहाँ से निकल रहे हैं। मार्केट में मोस्टली वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, फिर भी वीडियो बना लेते हैं हम लोग, चतुर चांडाल है ना हम लोग। सो निकल के यहाँ से मिलते हैं आपको आगे। ओके, तो घर की साइड आ चुके हैं और आउटफिट दिखाऊंगी आपको अब मेरा कैसा आउटफिट है जो मैंने 400 बाई किया है। होप यू गाइस एंजॉय, क्यों अच्छा है या नहीं है। शना, मेहनत लगी नहीं लगी? बहुत मेहनत लगी है। सब मिलता है घर जाके, बाय। ये मैं ये जो आउटफिट है ये कोट आप देख सकते हैं, ये मुझे अंडर 200 रुपीज का मिला। बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, वॉर्म है अंदर से, अगेन इसका इस हिसाब से वर्क हो रखा है सी, एंड इसमें दो पॉकेट्स आपको मिलती है इस हिसाब से, बटन वर्क है। स्कर्ट मुझे मिली 200 रुपीज की, मेरा 400 का चैलेंज था। सो स्कर्ट बहुत अच्छी है, सी की फ्लेयर स्कर्ट है, आप देख सकते हो। आप इसको राउंड अकॉर्डिंग कर राउंड घूम सकते हो, एंड इस हिसाब से स्कर्ट है। सो ये आउटफिट आपको कैसा लगा एट द एंड आप मुझे जरूर बताना। दिस आउटफिट लाइक दिस टॉप मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज का मिला जो कि वर्थ इट है, ठीक है इसका प्राइस। ये जींस मुझे मिली है 200 रुपीज की, वैसे मेरे पास बजट था बट मैंने उनसे बोला मेरे पास सिर्फ 200 का बजट है यार, प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लो। वैसे ये पैंट 250 की थी, सो ये मैंने 200 के लिए, और दिस टॉप कम्स अंडर 100 रुपीज, सो ये 300 हो गया, और जो बाकी का रेस्ट ऑफ द 100 रुपीज था वो मैंने दूसरे फर्स्ट वाली ड्रेस में एडजस्ट कर लिया था। सो ये ड्रेस आपको कैसी मिल लगी आप जरूर बताना यार। 300 रुपए के अकॉर्डिंग मुझे तो काफी अच्छा लगा, 300 रुपए के अकॉर्डिंग पैंट काफी अच्छी है, फैब्रिक अच्छा है, मुड़ सकता है, अच्छे खासा फैब्रिक है, डिजाइनर ऑफ लुक है। सो एट द एंड जरूर बताना आपको इन दोनों से कौन सी ड्रेस अच्छी लगी। सो आई रियली डोंट नो ये आउटफिट कैसा लग रहा है मुझे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप मुझे बताना कमेंट में यार, 200 रुपए की आपको ये चीजें मिल रही है तो बुरी क्या है, राइट? और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, एंड आप मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट टाइम मैं किस लोकेशन का विजिट करके चैलेंज वीडियो बनाऊं। एंड ये आउटफिट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, बाय बाय।